सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप, सावरकर माने तत्व, सावरकर माने तर्क, सावरकर माने तारुण्य, सावरकर माने तीर, सावरकर माने तलवार, सावरकर माने तिलमिलाहट। पहली बार किसी को दो उम्र कैद की सजा दी है। ऊपर वाले ने एक जिंदगी दी थी, जज साहब ने दो दे दी। सावरकर लेके आया क्रांति का दौर, डाल दिमाग पे जोर कर, किस्सों पे गौर, मेरा हर एक नया कदम चलता आजादी की। देश धर्म से ऊपर होता है, हम अखंड भारत बनाएंगे। अखंड भारत की, अखंड भारत की। आपने क्यों अपने धर्म को केवल कपड़ों, जनेऊ, चोटी और गौमूत्र तक सीमित कर रखा है? ये हिंदुत्व नहीं है। आप जिन्हें हरिजन कह रहे हैं, वे शोषित हैं, पीड़ित। हिंदुस्तान हिंदुस्तान, तेरी जान मेरी जान, मेरी जान तेरी जान। अक्टूबर 1920 कालीकट केरल खिलाफत मंडल की सभा में पंजाब से मौलाना अल्लाह बख्श आए हुए थे। कालीकट के मुसलमानों ने खिलाफत मंडल के नेता राम नारायण नम्बूदरी को समझाया कि अल्लाह बख्श के भाषण से पहले हिंदू मुस्लिम एकता दिखाने के लिए जुलूस में अल्लाह बख्श की बग्घी को घोड़ों की बजाय हिंदू नौजवानों द्वारा खिंचवाया जाए। इससे हिंदू मुस्लिम एकता का पूरे मुल्क में सुंदर संदेश जाएगा। नम्बूदरी राम नारायण खुश हुए। बग्घी में अल्लाह बख्श बादशाहों वाले अंदाज में तन कर बैठा था। मुस्लिम सुभानअल्लाह सुभानअल्लाह और अल्लाहु अकबर का नारा लगाते चल रहे थे। हिंदू अल्लाह बख्श के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। हिंदू युवक अल्लाह बख्श की बग्घी में घोड़ों की जगह जुते हुए पूरे कालीकट में अल्लाह बख्श को राजा की तरह यात्रा कराते रहे। मुस्लिम गर्व से छाती फुलाए थे। बस हिंदुओं से एक छोटी सी गलती यह हो गई थी कि एक नायर के मुंह से अल्लाहु अकबर के बीच में वंदे मातरम का नारा निकल गया। मुस्लिम नौजवानों ने फौरन नायर को जुलूस के बीच से खींचकर निकाल दिया। हिंदू नेताओं ने आदेश दिया कि हिंदू भी अल्लाहु अकबर का नारा लगाएंगे। ये किस्सा आपने सुना होगा या फिर इस पुस्तक में पढ़ा होगा। इस मोपला पुस्तक के लेखक हैं विनायक दामोदर सावरकर। ये पूरी पुस्तक मोपला दंगों की दर्दनाक घटनाओं से भरी पड़ी है। आप सोच रहे होंगे कि अचानक आज इस पुस्तक की याद क्यों आई। वैसे सावरकर का नाम सुनते ही आपके मन में राजनीतिक दलों द्वारा टीवी डिबेट याद आ गई होगी। और सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की। अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। कंट्री लाइक इंडिया कैनॉट हैव वन फादर ऑफ द नेशन। नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर। 28 मई है, इसी दिन साल 1883 में विनायक दामोदर सावरकर का जन्म हुआ था, जिन्हें लेकर आज भी विवाद मचा रहता है और इस विवाद के बीच अधूरी कहानियां किससे छिपा दिए जाते हैं। सावरकर जी को लेकर एक अलग ही नैरेटिव चला दिया जाता है, किंतु अगर हम राजनीतिक तूतू मैमै से हटकर सावरकर जी के जीवन में छिपे पन्नों को पलटेंगे तो हमारा विश्वास है कि आपका मन उनके लिए श्रद्धा से भर उठेगा। Near Nasik, on the 28th of May 1883, it was in this house that Savarkar was born. He was to embody the spiritual revival initiated by Swami Dayanand. Pranaya sadhunam, vinashaya cha dushkrutam, dharma samsthapanarthaya. एक बच्चा जो मात्र 9 वर्ष का था, तब उसने अपनी माँ राधा भाई सावरकर को हमेशा के लिए खो दिया। माँ के देहांत के बाद सोचा, चलो पिताजी हैं, उनका ही सहारा सही। किंतु माता के देहांत के करीब 7 वर्ष बाद, वर्ष 1899 में प्लेग महामारी के चलते उनके पिताजी का भी स्वर्गवास हो गया। अब परिवार में बचे 2 भाई गणेश और नारायण और एक बहन मैना। पिता की मृत्यु के बाद परिवार चलाने का कार्यभार बड़े भाई गणेश सावरकर ने संभाल लिया था। 1901 में विनायक का विवाह रामचंद्र त्रिबंक चिपलुनकर की बेटी यमुनाबाई से हुआ और ससुराल पक्ष द्वारा विनायक की यूनिवर्सिटी पढ़ाई में सहायता की गई।
अब यहाँ से विनायक दामोदर सावरकर के जीवन में एक मोड़ आता है। उन दिनों आर्य समाज संस्था से बेहद प्रेरित एवं महर्षि दयानंद सरस्वती जी के परम शिष्य थे श्याम जी कृष्ण वर्मा। ये वो सच्चे देशभक्त थे जिन्होंने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ अलख जगा दी थी। ये इंडिया हाउस लंदन के अंदर क्रांतिकारियों का तीर्थ स्थल था। भारत में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद सावरकर श्यामजी कृष्ण वर्मा से मिले। कानून की पढ़ाई पूरी करने हेतु उन्होंने सावरकर को इंग्लैंड भेजने में सहायता की। सावरकर अब इंग्लैंड में थे। वहां जाकर महर्षि दयानंद सरस्वती जी के शिष्यों से मिले तो मन में क्रांतिकारी भावना जागृत होने लगी। क्रांति के लिए सभाएं करना, पर्चे व पुस्तकें बांटना आम हो गया। इंडिया हाउस में ही वीर सावरकर जी ने मात्र 23 साल की अवस्था में एक पुस्तक लिखी, 1857 का स्वतंत्र समर। यह संसार का प्रथम ग्रंथ था जो पूर्ण होने और छपने से पूर्व ही जब्त कर लिया गया। इस ग्रंथ को क्रांतिकारी ढंग से गुप्त रूप से ही छापा गया व इसकी सैकड़ों प्रतियां भारत पहुंचाई गई। भगत सिंह व उनके साथियों ने यह पुस्तक गुप्त रूप से रातों रात छाप कर बांटी थी। जल्द ही अभिनव भारत नाम की संस्था की स्थापना की गई। युवा और क्रांतिकारी इस संस्था से जुड़ने लगे। अभिनव भारत भारतीय राजनीति में एक ऐसी शक्तिशाली संस्था बन गई कि अब अंग्रेजी सरकार इसे कुचलने में लीन हो गई। इन्हीं दिनों भाई गणेश सावरकर को एक पुस्तक के प्रकाशित करने के आरोप में देशद्रोही करार देकर काला पानी की सजा दे दी गई। बाद में वीर सावरकर को भी 23 सितंबर 1910 को आजीवन कारावास व काला पानी की सजा सुनाई गई। साथ में समस्त संपत्ति भी जब्त करने की सजा मिली। वे संसार के एकमात्र ऐसे क्रांतिकारी रहे हैं जिनको 2 जीवन के कारावास की सजा सुनाई गई। 31 जनवरी 1911 में उन्हें अंडमान भेज दिया गया। वहां उनके साथ निर्मम व्यवहार किया गया। तेल निकालने के लिए उन्हें कोल्हू के बैल की तरह जोता जाता था। छोटी छोटी कोठरियां थी। पीने के लिए 3 मग काला कड़वा पानी मिलता था। इनके कष्टों का जिक्र करते हुए भी हाथ कांप उठते हैं। किसी भी अन्य क्रांतिकारी महापुरुष ने इतने कष्ट नहीं सहे होंगे, वो भी इतने लंबे समय तक। उनके भाई गणेश सावरकर भी इसी जेल में थे। दुख की बात यह थी कि कोई भी क्रांतिकारी आपस में मिलना तो दूर, इशारों से बात भी नहीं कर सकते थे। जेल की यातनाओं को सावरकर जी ने अपनी पुस्तक माझी जन्म ठेप में लिखा। 12 वर्ष तक उन्होंने काले पानी की सजा काटी। उनका स्वास्थ्य खराब रहने लगा। पूरे देश में उनकी रिहाई के लिए सरकार पर दबाव पड़ने लगा। उनके छुटकारे के लिए 70,000 हस्ताक्षरों से युक्त प्रार्थना पत्र सरकार को जनता ने भेजा। साधारण व्यक्ति से लेकर नेताओं तक ने हस्ताक्षर किए, किंतु गांधी ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। 1921 में दोनों भाई भारत लाए गए। 1924 में वीर सावरकर नजरबंद कर दिए गए, परंतु चारों ओर से पड़ रहे दबाव के कारण व जमुना दास जी के प्रयासों के कारण उनको 10 मई 1937 को मुक्त कर दिया गया। 2 जन्म के काला पानी के दंड पाए हुए वीर सावरकर अब स्वतंत्र हो गए। स्वतंत्र होने के बाद सम्मान पूर्वक कांग्रेस का नेता बनने की जगह दिसंबर 1937 में अहमदाबाद में हुए हिंदू महासम्मेलन में हिंदू महासभा की अध्यक्षता स्वीकार की। हैदराबाद के निजाम द्वारा वहां की हिंदू जनता पर हो रहे अत्याचारों के विरुद्ध आर्य समाज द्वारा दिसंबर 1938 को आर्य महासम्मेलन में घोषित हैदराबाद का प्रसिद्ध आर्य सत्याग्रह धर्म युद्ध में
वीर सावरकर ने हिंदू सभा की ओर से सर्वाधिकारी बनकर सत्याग्रह में सर्वस्व झोंक कर आर्यों की सहायता की। करीब 12,000 आर्य समाज जुड़े एवं अन्य 4,000 लोगों ने निजाम राज्य की जेलों में कष्ट सहे। साल था 1944। कराची में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समुल्लास को इस्लाम के विरुद्ध बताते हुए जब्त करने का प्रस्ताव पास किया गया। सिंध के मंत्रिमंडल ने सत्यार्थ प्रकाश के 14वें समुल्लास को हटा देने की घोषणा कर डाली। एक किस्म से अचानक सिंध में सत्यार्थ प्रकाश पर पाबंदी लगा दी गई। देश भर में महर्षि दयानंद के शिष्यों के बीच शोक की लहर दौड़ गई। दिल्ली में एक विशाल आर्य सम्मेलन ने सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास की कड़ी निंदा की। वायसराय को हजारों तार भेजकर इस अन्यायपूर्ण कदम का विरोध किया गया। वीर सावरकर ने भी सार्वजनिक रूप से घोषणा कर डाली कि जब तक सिंध में सत्यार्थ प्रकाश पर पाबंदी लगी है, तब तक कांग्रेस शासित प्रदेशों में कुरान पर प्रतिबंध लगाने की प्रबल मांग की जानी चाहिए। और इसके बाद वीर सावरकर ने भारत के वायसराय और सिंध के गवर्नर को तार भेजकर कहा कि सिंध सरकार द्वारा सत्यार्थ प्रकाश पर प्रतिबंध लगाने से सांप्रदायिक वैमनस्य उत्पन्न होगा। यदि सत्यार्थ प्रकाश से प्रतिबंध नहीं हटाया गया तो हिंदू कुरान पर प्रतिबंध लगाने के लिए आंदोलन प्रारंभ कर देंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, वीर सावरकर ने महर्षि दयानंद जी की पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के बारे में कहा कि हिंदू जाति की ठंडी रगों में उष्ण रक्त का संचार करने वाला ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश अमर रहे। उनके जीवन काल में ही भारत आजाद हुआ। भारत विभाजन से उनको बहुत ही कष्ट हुआ। 1948 में गांधी की हत्या हुई तो उन्हें भी गिरफ्तार किया गया, परंतु उन पर कोई भी आरोप साबित न होने पर उन्हें रिहा कर दिया गया। भारत द्वारा 1965 में ताशकंद समझौते में जीती हुई जमीन वापस देने की खबर जब उन्होंने सुनी तो दुखी हृदय से बोल उठे, हे मृत्यु, तुम मुझे आत्मसात कर ले ताकि मुझे देश की और दुर्दशा ना देखनी पड़े। वह बीमार रहने लगे। उन्होंने दवा व खान पान लेना त्याग दिया। 26 फरवरी 1966 को वीर सावरकर यह नश्वर शरीर त्याग कर चल दिए। देश की आजादी के लिए उनके द्वारा सहन की गई घोर कष्टकारी यातनाओं को राष्ट्र कभी नहीं भूलेगा। उनका तप, त्याग और राष्ट्र प्रेम सदैव भारतीयों को प्रेरित करता रहेगा। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। मालाबार दंगे और उन पर लिखी सावरकर की प्रसिद्ध पुस्तक मोपला हर भारतीय को जरूर पढ़नी चाहिए। इस महान क्रांतिकारी को आर्य समाज का शत शत नमन। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।